शुभ विचार, अच्छा वक्त उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में लेखक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी द्वारा लिखी निबंध प्रणाम की प्रदर्शनी में पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। प्रणाम की प्रदर्शनी में शीर्षक निबंध के लेखक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा है। प्रस्तुत निबंध में विद्वान लेखक ने प्रगतिशीलता व विकास के नाम पर मूल्यविहीन होती शिष्टाचार की पद्धति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस बात को प्रतिपादित किया है कि शील, शिष्टाचार, नम्रता, विनयशीलता आदि मानवीय एवं सामाजिक गुण वर्तमान समय में इतने दूर होते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं कि इनका पालन मात्र दिखावे तक ही सीमित है। आधुनिक मानव शिष्टाचार का मुखौटा लगाकर चारों तरफ घूम रहा है। वह शिष्टाचार का पालन तो करता है, परंतु अंतर मन से नहीं, बाहर से ही। निबंधकार के अनुसार नवयुगीन शिष्टाचार सामाजिक और सांस्कृतिक कर्तव्य के स्थान पर केवल और केवल प्रदर्शनी की वस्तु बनकर रह गई है। लेखक के अनुसार शिष्टाचार का ऐसा पतन वर्तमान संभाव्यता के भोगवादी हो जाने के कारण है, जहां धन मनुष्य के लिए साधन और साध्य दोनों बन गया है और धन संचय एकमात्र कर्तव्य कर्म, शील, शिष्टाचार, सदाचार, प्रेम और सौहार्द आदि सामाजिक और सांस्कृतिक कर्तव्य कर्म के ऊपर धन लोलुपता इस कदर हावी हो गई है कि प्रणाम एवं नमस्कार की परंपरा या विधि आज बौद्धिक बन गई है। इसमें शिष्टाचार या नम्रता के भाव की जगह बौद्धिक उत्तेजना पाई जाती है। शील का समग्र प्रदर्शन इस प्रणाम के प्रदर्शन में कहीं खो गया है। यही कारण है कि लेखक को पग पग पर मिलने वाले प्रणाम में उत्तेजना, उदंडता, अभद्रता और रुग्ण मानसिकता दिखाई देती है। पेशे से निबंधकार अध्यापक है और जाति से ब्राह्मण। अध्यापक और ब्राह्मण होने के कारण लेखक को प्रणाम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वह जिधर भी जाते हैं पग पग पर लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। लगातार प्रणाम शब्द सुनते सुनते उनकी उपचेतना में सदैव प्रणाम ही सुनाई देता है। अगल बगल एवं आगे पीछे से लोग उन्हें प्रणाम करते चलते हैं। प्रणाम शब्द सुनना लेखक की आदत बन गई है। कभी कभी तो वह प्रणाम करने वाले की ओर देखते भी नहीं, क्योंकि लेखक को लोगों की इस प्रणाम में शील, शिष्टाचार के स्थान पर औपचारिकता दिखाई देती है। यही कारण है कि लेखक लोगों के प्रणाम के प्रति विशेष प्रतिक्रिया नहीं करते। लेखक को रास्ते में पांडे जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्यों भाई, किस दुनिया में हो कि प्रणाम नहीं सुनते? रास्ते चलते ही समाधि लगा ली क्या? पांडे जी के इस प्रश्न पर लेखक जवाब देते हुए कहते हैं, बचपन में आपको बताया गया होगा कि प्रणाम का अर्थ है अच्छी तरह झुकना। इसलिए जिसे प्रणाम करना है, जिसके प्रति आप अपना विनय प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके सामने झुकना चाहिए। शिष्टाचार का यही नियम है। लेखक पांडे जी से आगे कहते हुए कहते हैं, आज का प्रणाम एक फैशन है। इसमें प्रणाम करने वाले आगे पीछे, दाएं बाएं, किसी ओर से प्रणाम करके चलते बनता है।
इस प्रकार के फैसल परस्त परिणाम में अशिष्टता, अनास्था, मौका परस्ती, रुग्णता एवं अंतर्मुख वाचालता ही प्रदर्शित होती है। आज आदमी का सील कुत्ते की लार की तरह प्रयोग की वस्तु हो गया है। आज हार्दिक भावों की जगह यांत्रिक भाव हम सब पर सवार हो गए हैं। कुछ आगे बढ़ने पर लेखक की मुलाकात उनके मित्र सुरेश जी से होती है, जो लेखक को गुड इवनिंग कहते हैं। भारतीय होकर भी अंग्रेजी परंपरा में प्रणाम करने की सुरेश बाबू के ढंग पर लेखक को आश्चर्य होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर प्रोफेसर देवधर लेखक को झुककर दोनों हाथ ऊपर नीचे करते हुए मुसलमानी अंदाज में प्रणाम करते हैं। लेखक को देवधर बाबू के प्रणाम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लेखक न तो कोई बादशाह है और न ही कहीं का वाजीर ही, फिर ऐसी सलामी की जरूरत ही क्या है। लेखक चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उनकी मुलाकात कालिका बाबू से होती है। कालिका बाबू के शरीर पर खादी के कपड़े हैं और उन्होंने सफेद रंग की तनी नुकीली टोपी पहन रखी है। लेखक की नजर पड़ते ही कालिका बाबू अति विनय का प्रदर्शन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर ठुड्डी के नीचे तक लाते हैं और मुस्कुराते हुए प्रणाम करते हैं। लेखक को कालिका बाबू का अभिवादन एक नेता का शुद्ध पौराणिक अभिवादन की तरह लगता है। लोगों का प्रणाम और अलग अलग ढंग के अभिवादन की प्रदर्शनी देखते देखते लेखक अपने घर से काफी दूर निकल आए हैं। लेखक प्रणाम की इस प्रदर्शनी में अब और भ्रमण करने का इच्छुक नहीं है, अब वह आगे जाना नहीं चाहते। प्रणाम या नमस्कार करने की इन विभिन्न तौर तरीकों और पद्धतियों का उदाहरण प्रस्तुत कर लेखक यह बताना चाहता है कि यांत्रिक सभ्यता में आज हमारा व्यवहार मशीनी बन गया है। आज मनुष्य की ऊपरी सजीवता के भीतर कितनी निर्जीवता, अपूर्णता एवं अशिष्टता भरी हुई है। आज की औपचारिकता में व्यक्ति का विरोधाभास प्रदर्शित होता है। हम जिसे ऊपर से प्रणाम करते हैं उसके लिए मन में गुड वितृष्णा भरी रहती है। इसमें शिष्टाचार के नाम पर सिर्फ दिखावा है। लेखक के शब्दों में औद्योगिक प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न प्रकार की औद्योगिक वस्तुएं रहती हैं, कला प्रदर्शनी में कला की, और यह है प्रणाम की प्रदर्शनी। भिन्न भिन्न ढंग के प्रणाम जिसमें एक का दूसरे से कोई मेल नहीं, सभी निराले, सभी विचित्र। लेखक के अनुसार प्रणाम करने वाला आज हृदय से झुकता नहीं, झुकना चाहता भी नहीं। आज हृदय में न श्रद्धा है न ही भक्ति, मात्र ऊपर से विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हम प्रणाम शब्द का उच्चारण करके औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में प्रणाम शब्द का प्रयोग बड़ा व्यापक अर्थ में लिया जाता रहा है। ऋषि मनु के अनुसार जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। परंतु मनु द्वारा प्रतिपादित विचारों का आज कोई मूल नहीं रह गया है। आज लोगों में धर्म, अर्थ और शास्त्रोक्त सेवा का भाव नहीं है। लेखक का मानना है कि समय के साथ बदलाव का आना स्वाभाविक है। प्रत्येक वस्तु काल क्रमानुसार नष्ट हो जाती है, पूर्व स्थापित मूल्यों में ह्रास हो जाता है और वह आडंबर मात्र रह जाती है। कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। आज का मानव अपने ऊपर किसी पाबंदी को स्वीकार नहीं करना चाहता,
भले ही यह पाबंदी सील शिष्टाचार एवं सदाचार की ही क्यों न हो। वेदी लद गए जब मगध सम्राट चंद्रगुप्त दीनहीन ब्राह्मण चाणक्य को दंडवत प्रणाम करते थे और उनके बताए आदेश का अचरस पालन भी करते थे। आज हमें कहीं भी सिरसा प्रणाम करने की पद्धति दिखाई नहीं देती, सिर्फ बाहरी आडंबर ही दिखाई देता है। वास्तव में जब सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों में पतन होता है तब विसंगतियां उत्पन्न होती है। प्रणाम करने जैसे व्यापक सांस्कृतिक पद्धति का मिटना आज सामाजिक और सांस्कृतिक पतन के लक्षण हैं।